ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ये किसके लिए खाली छोड़ा है? अच्छा, आप दोनों यहाँ आ जाओ, भाई आ जाए नज़दीक, और मोटा भाई आ जाओ, और निमित्त बने हुए भाई आ जाओ, आओ 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 आओ। मेरा बहुत मीठा भाई निज़ार भाई, निज़ार भाई, ये मेरा भाई, ये हमारा अमेरिका भाई, बड़े भाई आ जाओ सब। चाली कहाँ है? वहाँ है शायद। अच्छा डेविड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नज़दीक आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। मुरली सुननी ना सभी ने अच्छी तरह से? मुरली सुननी? हाँ अच्छा, अभी वन में, नंबर वन में आ सकते हैं ना? नंबर वन में आ सकते हैं ना भाई? जवाब तो दो ना, नंबर वन में आ सकते हैं ना? क्या करना है नंबर वन में आने के लिए? समझो, अभी संकल्प करते हैं सभी ध्यान से, समझो नंबर वन में आना है तो क्या करेंगे? अभी अभी समझो, नया साल है ना, तो नई बात हमारे में आ जाए है? तो क्या करेंगे है? अपनी लगन जो है ना वो सच्ची ऐसी हो, सच्ची लगन, जो दिल आराम मेरे पर खुश हो जावे। दिलवाला बाप है, दिल आराम है, वो दिल को आराम देने वाला है, वो इतना खुश हो जाए, उसकी दिल मेरे से लग जाए, मेरी लगी तो बड़ी बात नहीं है। सुन रहे हो ना, कोने में बैठे हमारे सामने आ जाओ, सुन, देखूं तो सही किसको दिल आराम से दिल लगी हुई है। जिसकी दिल आराम से दिल लगी हुई है ना, वो क्या करेंगे? दिल की बात उसको सुनाते ही दिल आराम में आ जाती है, शुरू होती है यहाँ से। वो जानते हैं, मैं जानूं तुम जाने, अंदर से तुम जानो मैं जानूं, हम ही भक्ति में भी कहते हैं तुम्हारी जो गत मत है ना, तुम ही जानो और न जाने कोए, तुम्हारी जो है ना, भगवान को कहते हैं तुम ही जानो। अभी हम बच्चे कहते हैं हम जाने, तुम कौन हो, कैसा हो, क्या करते हो, क्या कराते हो, जानते हैं अच्छी तरह से क्या करते हो, क्या कराते हो। वो कराता क्या है सुन लिया? तन मन धन समय सफला, जरा भी फालतू व्यर्थ कहाँ न चला जाए। सारे पूरे चक्कर में आने वाले, वन 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 में आने वाले, नया जब शुरू होगा वो क्या सोचेंगे? समय सफला करेंगे, तन से तो सफला करने से बहुत तन सुखी रहता है, तन भी भविष्य तो होगा ही होगा। अब भी कहते हैं बाबा दिखाते हैं,
तुम सेवा में लगाते हो तो मैं तुम्हारे तन को भी संभालता हूँ, तन तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मैं जिम्मेवार हूँ। तो साकार में बाबा कहते थे, बच्चे कोई भी गवर्नमेंट हो, भले प्रजा के लिए उसके पास नहीं होगा, अपने सेना के लिए होगा, उसको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा रखेंगे, अच्छा उस पर ध्यान रखेंगे, क्यों? उन पर उसके देश का आधार है। वो सदा युद्ध के मैदान में तैयार बैठे हैं, अपना जान अपना वो भी त्याग करते हैं सब का, देश की सेवा के लिए अपने वहाँ हाजिर रहते, वो कभी भूखे नहीं मरते हैं। जो बाप के सेवा के लिए हाजिर हुए हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ, पक्का है, संस्कारों में बताते हैं, कभी रोटी की मिलने कैसे मिलेंगी कभी ख्याल ही नहीं आया होगा, कभी नहीं ख्याल आया होगा, चौरासी कौन मुझे संभालेगा कभी ख्याल ही नहीं आया होगा, कौन मुझे संभालेगा कल भी मैं किससे कर कभी ख्याल ही नहीं, मैं कैसे चलूंगी, कौन चलाएगा, ख्याल ही नहीं आया होगा। संगम युग का इतना स्नेह, ईश्वर का पाया हुआ, पालना पाई हुई, इतना अंदर बल दे रही है, दिया है, जो कभी खाली नहीं महसूस करते हैं अपने आप को, ना अकेला महसूस करते हैं, दो बात कभी नहीं, कभी डर नहीं लगता है रात को, कहीं अकेली होंगी ना, कहीं भी होंगी डर नहीं लगेगा, डर काहे का। अभी तो प्रैक्टिकली पता है बाप हमारे साथ है, भक्ति में कहते हैं ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर कहाँ गया, ईश्वर मेरे साथ है। ये संस्कार अभी जो दिलाराम हमारे दिल वाला बाप भर रहा है, दिल की बात सुनकर, बच्चे क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए है? मैं जो बैठा हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ, क्या क्या चाहिए, कहते मैं जो बैठा हुआ हूँ, जो चाहिए मुझ में देखो, जो चाहिए सो मेरे से लो, जो चाहिए, क्या चाहिए तुमको, इतना भरपूर कर देता है, जो कभी मांगना, ये बाबा के बोल थे, बच्चे मांगने से मरना भला, कभी मांगना नहीं, हम जीते जी मरे हैं तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, किसे मांगू, और ही जो भगवान के दर पर आए ना, बाबा के दर पर आए ना, वो भरपूर होके जाए। तो ये भी बता देती हूँ, जहाँ भी छोटे भी सेवा स्थान हुए होंगे ना, बहुत छोटे छोटे, आत्मा भाई टेंशन रोड देखा है, लंदन का निजार भाई देखा है, टेंशन रोड देखा है ना, अच्छा है, जयंती ने पुणे का छोटा सेंटर देखा था ना,
उसने जन्म लिया वहाँ से, फिर बुलाया लंदन के ऐसे से, उनसे भी छोटा, जहाँ से इसका अलौकिक जन्म हुआ वो भी छोटा कमरा था, फिर जहाँ सेवा पर बुलाया साथ लेके गई वो उनसे भी छोटा। है अलौकिक दिव्य जन्म और पालना की कमाल। उनसे जो पक्के हुए हैं ना डेविड, वहाँ से पक्का हुआ है चार्ली केन, दादी को बताया एंटनी, निक, पक्के हैं बहुत। अभी के इतने पक्के नहीं है, नहीं है, बोले ग्लोबल हाउस हो गया, डायमंड हाउस भी हो गया है, पर जो वो पक्के बने हैं ना, कोई हिला ना सकता। निर्विघ्न बाबा ने कहा ऐसा ध्यान रखो, इतने मजबूत रहो, इतनी लगन इतनी अच्छी होवे, लगन में मघन रहो, लगन सर ऐसी नहीं, लगन में मघन रहो तो स्थिति निर्विघ्न रहेंगी। मुरली इतनी अच्छी ताकत वाली है स्थिति, जिसकी सदा निर्विघ्न है वो कैसा होगा? आज अपने रूप को देखो बाबा, ग्रहचारी तो विघ्न भी कोई नहीं, तो निर्विघ्न स्थिति मेरी रहे, क्यों ताकत है बाप की विघ्न काहे का। कोई विघ्न डालने वाला भी आए ना, अच्छा चलो चलो, घबराएंगे नहीं। निर्विघ्न स्थिति वाला कभी विघ्न डालने वाले से घबराएगा नहीं, क्योंकि विघ्न डालने वाला अच्छी तरह से तरीका रचेगा विघ्न डालने के लिए। और बाबा ने कहा था आद से लेकर के, आद से लेकर के जब से भगवान ने यज्ञ रचा है, तो विघ्न डालने वाले भी तो अपना काम करेंगे। तो हमारी निर्विघ्न स्थिति हो, विघ्नों से घबराए नहीं, पर विघ्न विनाशक रहे हैं, तभी कहेंगे बाबा का बच्चे है। यज्ञ के सिखाते हैं, भगवान के घर का खाते हैं, भगवान हमें खिलाता है, उसकी शक्ति बहुत है, पर्सनल शक्ति है। पर उसके प्यार में कभी कभी सोचते हैं चलो आज सो जाते हैं ना, छोड़ देते हैं, चलो अब नहीं कर सकते, खाते हैं ना। तो जब हम छोटी थी, माना छोटी माना ज्ञान में छोटी थी, आए 10 मास, 1 वर्ष भी नहीं हुआ था यज्ञ में, तो भी गिनती करती थी जितना खाती हूँ उनसे सेवा कितना ज़्यादा होता है, यज्ञ कान खाती हूँ। खाने का गिनती करती थी, एक एक दाना मुहर बराबर है, हीरे तुल्य बनाने वाला है। ये बहुत पुरानी बात सुनाती हूँ, जब 10 मास 1 वर्ष भी ज्ञान में नहीं हुआ था, आज दिन तक गिनती करके खाती हूँ, मुफ्त में नहीं खाती हूँ, हजम ही नहीं होगा, क्यों यज्ञ का खाती हूँ। यज्ञ का खाने से बाप का खाती हूँ तो कोई का मेरे पर बोझा नहीं है, उसको रिटर्न देना नहीं पड़ेगा। और किसी का खाते हैं ना तो उनको रिटर्न देना पड़े,
वो तो शुरू से ही हिसाब किताब किसी का नहीं। खाते हैं तो भगवान का खाते हैं, पर भगवान फिर क्या करता है? यज्ञ का खिलाता है, यज्ञ सेवा कराता है। और सेवा पर यज्ञ की ब्राह्मण ही करेंगे, भंडारे में ब्राह्मणों को ही जाने देंगे, खेती को जाने में नहीं देंगे। खाना बनाने के लिए क्या कहेंगे, देखेंगे पक्का है ब्राह्मण है, ऐसे खाना बनाने नहीं देंगे, खाना खिलाने भी नहीं देंगे। जिसकी बुद्धि कच्ची कच्ची है, अच्छी नहीं है, खाना खिलाने भी नहीं देंगे। हिस्ट्री हाल है ना, वहाँ बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे हम लोग। बाबा सामने बैठता था, हम लाइन में बैठते थे, एक लाइन ऐसी लगती थी, फिर दूसरी बीच में भी लाइन लगती थी। जयंती के भी खाया था वो ब्रह्मा भोजन, अच्छा है, कितना अच्छा लगता था सीन, बड़ी अच्छी। बाबा ऐसे दृष्टि देता था, अच्छा खिलाने वाली का कहता था, बच्ची घिंगरू पहन के आओ, नाच खिलाओ ऐसे खुशमिजाज चेहरे से, खिलाने वाली भी ऐसे खिलावे, ऐसे 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 सब सिखाया है बाबा ने। ऐसे नहीं, रोटी ऐसे रख दो ना, ऐसे ऐसे देता। ये बाबा ने जो हमको हर कदम कैसे उठाओ, देखता के जैसे लगे ये फिरस्ता चल रहा है। क्या बोला, 63 जन्म तो मट्टी में पांव रखा है, कितने मैले हो गए हैं पांव। अभी तो तुम इतने साफ सुथरे, इतने अच्छे, पता नहीं वंडर है, बाबा ने सफाई बहुत सिखाई है। एक बार हम कुंज भवन में थे, कराची का कुंज भवन था, उसकी जो स्टेयर्स है ना थी, और ऊपर ग्लोबल हाउस की ऐसी है, ऊपर खड़े होते हैं ना, नीचे सब होते हैं ना, हमको हमेशा ग्लोबल हाउस ऐसे दिखाई पड़ता है। वहाँ हम खड़े रहते हैं, बाबा वहाँ होता था, हम नीचे होते थे, मम्मा भी ऊपर खड़े रहते थे, बाबा नीचे। पर मम्मा कभी मुरली चलाना शुरू कर ऐसे ऐसे समझा, सारा टाइम कांधे से, 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, मम्मा पति प्यार से तरह पीछे हाथ लगाते थे, यहाँ खड़े खड़े। पर एक बारी बाबा आया तो नीचे जहाँ रिसेप्शन है वहाँ, जैसे ऐसे, तो वहाँ टेबल पर बाबा बैठ गया, टेबल था, हम सबको कहा सब ऐसे बैठो, पाँव ऐसे करो। अभी भी हमारे पाँव देखेंगे, बुढ़ों के पाँव नहीं है, चीर चीर पड़े हुए हो, फटे हुए हो। कहा बच्चे सबके हमारे पाँव देखे, बाबा इतनी उम्र का, बाबा के पाँव बड़े अच्छे थे, मामा के पाँव अच्छे थे। बच्चे भक्ति में पाँव की तो पूजा होती है, तुम्हारे पाँव ऐसे हो, कितना प्यार किया है बाबा ने, क्या बताएं। अभी भी प्यार दिन प्रतिदिन कहता है, एक बच्चे को प्यार न करो मेरा बच्चा रूठ जाए मेरे से तो ना? सब बच्चों को प्यार करता है, पर हम बच्चे से प्यार लेने वाले जो है ना, कुछ भी हो जाए इधर उधर से, बाबा जी बच्चा
किसी घड़ी आधी रात भी सच्ची हमको अनुभव है। कभी भी हमने एक बार कर्टन ऐसे किया, कहा क्यों आ, अभी बाबा के रूम में मैं खटिया के आगे बैठती हूँ, कोई पूछा, मैंने कहा मैंने सदा ही ये सीट मेरी फिक्स है, बोला के या बाजू बैठा है। और जो मूरा होता है ना यहाँ, ये छोटा है वो थोड़ा बड़ा, बाबा एक खटिया के नीचे रखा रहता था, कहते निकाल के खटिया पर लेटा हुआ है, रख बैठो इस पर, कुछ कहना नहीं होता था, बस बैठो बैठने में। मैं चार बात दिल लगी की बातें सुनाती हूँ, दिल आराम के, दिल को जो लगी हुई बातें है ना, जिसने दिल को बड़ा मजबूत बना दिया है, और दिल बड़ी खुश है। दिल खुश है, दिमाग ठंडा है, दिमाग कभी गर्म नहीं हो सकता। पर बाबा को अच्छा लगता है सुबह सरल हो, दिल खुश, दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल। नया साल है ना, सुबह इतना सरलता में स्पष्ट भी बोलता है, सच्चा भी बोलता है, मीठा भी बोलता है। मैं सच बोलता हूँ, अरे सब सच ना ना, सच स्पष्ट सरल भाषा में, जिसके अंदर में कुछ भी ऐसी बात खिटपिट वाली नहीं होगी ना, तो उसको बोलना बड़ा सहज लगेगा बाप के साथ। और बाप जो सुनाएगा ना, वो अच्छी तरह से प्यार से सुनेगा। बाबा फिर ऐसा है, लंबी बात नहीं सुनता है, पर सच्ची बात सुनता है। समझा मेरी बात? समझा? जो बहुत सोचता है ना, वो समझते हैं मुझे लंबा बोलना चाहिए सब, तभी समझेंगे। अरे ना ना, बाप से दो एक शब्द में भी जो अंदर अपनी बात है ना, वो सुना दो, अपनी वीकनेस सुना दो, दिल से सुना। ऐसे नहीं बाबा आप जानते हो, तो एक बार बाबा बाबा आप तो जा, कहा नहीं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। बाप को क्या जानने की जरूरत है? तुम अंदर क्या सोचती हो मैं क्यों जानूं? तुम क्या सोचते हो मैं क्यों जानूं? पर जो बच्चे बाप से कुछ अच्छा, एक अच्छी टेव पर जाए बाप से बात करने की, तो जब बाप से बात करते हैं ना, तो जो बात है ये बात जी बच्चे ठीक हो जाएगा, बाहर ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। उसका कहने शब्द भी भले मुख से सुनते भी, तो कभी कभी सूखे वतन में संदेशी जाती है ना, तो हम पूछते हैं बाबा तिमन से कैसे बात करता है, वो आवाज़ तो होता ही नहीं है, फिर कैसे आकर सुनाते हैं? हम पूछते थे, यहाँ तो साकार में बाबा सुनाता है, हम सुनते हैं, सुखी वतन में संदेशी कैसे सुनती है? तो उस गरीब उसका सूक्ष्म जो है ना, बड़ा शुद्ध सच्ची भावना वाला बाबा के सामने रूप है, कैच कर लेती है बाबा क्या कह रहा है। जब गुलजार दादी संदेश ले आती है, लिखती है, ले आती है लिखती है, कितना उस शब्दों में ताकत होती है, कैसे कैच करती है। और फिर वर्ड बाय वर्ड एक्यूरेट होता है, दिल को लगता है, करने जी चाहता है।
समझते हैं ये अच्छा बाबा ने जो कहा ना, ऐसा सूक्ष्म हमारा ईश्वरी स्नेह संपन्न संबंध बाबा के साथ ऐसा हो तो बाबा कहते हैं माला में अभी तक माला तैयार नहीं हुई है, आओ 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 आओ। एक बाप के गले का हार बन जाओ तो गले का हार बनेंगे दृढ़सच्ची से और कुछ नहीं, श्रीमत से, क्योंकि बाबा फिर ये बताते हों एक बारी सुनाया है फिर भी मैं सुनाती हूँ। मेरी दिल थोड़ी छोटी हो गई थी, तबीयत ऐसी नहीं है, सेवा नहीं कर सकती हूँ, ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पुणे से आई थी, मुझको कैसे भागती भागती आई थी। तो बाबा उस टाइम में अमृत वेले योग कराता था, मे मास है, हमें सबको ये जो हिस्ट्री हॉल है ना वहाँ चार बाबा को प्रेरणा। पहले बाबा कभी 4 बजे योग कराने नहीं आता था, कमरे में बाबा रहता था, देखते थे कैसा। तो हम भागती भागती पुणे से आई, बाबा अमृत के लिए योग कराता है। तो उसी दिन नीचे भूरी दादी ने बोला बाबा आज नहीं कराया था। और ये भी मुझे पता था जानने, ये कोर्टयार्ड जो अच्छा लगता है ना, कृष्ण है ना, वहाँ बाबा सबको दृष्टि देता था योग के बाद बाहर आ करके। उसमें हमको याद किया था, वो मुझे याद पुणे में मिली थी, वो खींच लेके आई। फिर जब बाबा एक कमरे में आई ना, एक खटिया पर बाबा बैठा, मैंने कहा बाबा आज आप जो, मैं तो इसलिए आई थी, क्या नहीं होती थी क्या बच्ची, नहीं होती थी क्या बच्ची? याद करने वाले बच्चों को बाप याद करता है। तो याद से याद मिलती है। सुबह को मूली चलाई थी, दूसरे दिन मनोहर दादी की महिमा की थी। उस टाइम वो पंजाब में बड़ा सेवा करते थे, तो शाम को 6 बजे मैं बाबा के पास आती थी। बाबा ऐसे लेटा हुआ होता था, अच्छा लगता था बाबा का लेटा हुआ पोज, जैसे विष्णु समान लेटा हुआ है, मूरे पर बैठी। मैंने कहा बाबा मेरा नंबर तो कम होता जा रहा है माला में। कहा किसने कहा तुम्हारा नंबर कम होता जा रहा है? तो मैंने ये नहीं कहा मनोहर दादी का पुरुषार्थ अच्छा है, मैंने कहा मनोहर तो बहुत अच्छा आगे बढ़ गई है। कहा किसने कहा? मैंने कहा बाबा सुबह को आपने कहा। कहा बाबा ने कहा ही नहीं। मैंने कहा बाबा मुझे कुछ क्या बच्ची, बाबा ने नहीं कहा, मैंने कहा ना, मैंने मनोहर अच्छा करती है ना, मैं कहती हूँ ना करते बच्ची, बाबा ने नहीं कहा। तो मुस्कुराते रहे वो, मुझे चेहरा इतना मीठा मीठा चेहरा, मेरे को प्यार करे बच्ची तुम्हारा तुम। मैंने कहा 7 साल से कोई ट्रैवलिंग नहीं की है, ट्रेन में नहीं चली हूँ, और बाबा कहता था ट्रेन में नहीं चलो, ट्रेन के जो झोंके हैं ना वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, अभी तक भी ट्रेन में नहीं चढ़ती हो, फिर ट्रेन में तुम नहीं चलो। पर बाबा इतना प्यार। पर मैंने कहा बाबा क्या होगा। पर रात को उस दिन कोई खटपट के पत्र आए थे, मैं कहा नए साल पर नहीं सोगा दे दूँ ना बाबा के, मुझे पता था बाबा के पास कोई खटपट पर पत्र है। रात को 10:30-11 बजा होगा, तो कभी मेरे को कोई नहीं कह सकता है बाबा के आराम का टाइम है, तुम कहता तो बैठो
कहते तुम समझती हो, ये बात हमको बहुत मदद करती है आज दिन तक, समझती हो जो दिन भर में चला बाबा को याद है। चलो ऐसा लग रहा था कुछ भी है का, बच्ची अगर बाबा ये याद करे ना तो मूली कैसे चलेगा। असल वो बाबा का बोल वो दृश्य सदा याद है, जो दिन मन में चलो चलो हुआ सोते समय, तब तो सवेरा अच्छा होगा, बाबा की याद आएंगी, मुली प्यार से सुनेंगे, मुली चलाने वाला ख्याल करता है बच्चों के लिए मुली चलानी है। फिर भी आती हूँ बाबा को याद, बाबा जो हम बच्चों, बाबा हम बच्चों को याद करता है, मैं कहती हूँ तो बाबा को हम याद करें क्या सबूत, कितनी याद है हमारी। फिर उसी टाइम पर वही टाइम है दिन है तो बाबा मुरली चला रहा था, देखा बैठने वाले तो बहुत थोड़े थे, कोई ऐसे भी कर रहे थे कोई ऐसे कर रहे थे, तो बाहर बैठे पर मुरली भरा फटाफट चला रहा है, इतनी बड़ा धराधर। मैंने कहा बाबा मुरली किसके सामने चला रहे थे, कलर मुरली के बाद बाबा के पास चले जाते थे, मज़ा होता था बहुत, पहले मना भी होती थी पर ऐसे ऐसे करके चले जाते थे। बाबा उस करी जो शिव बाबा उसमें चमक रहा है बोलते, तो बाबा का जो कलब पहले मुली चलाई वो अभी चलाई, बच्चे बाबा थोड़ी देखता है कौन सुन रहे हैं, बाबा तेरे जैसे बच्चों को याद करके मुली चलाता है, तो क्यों निजार कह ये बता रही हूँ। ऐसा बुद्धि योग होवे तो बाबा सदा हमको सामने देखे, सदा सामने देखे और हम समीप ऐसे साथ रहे, तो समान बनने की शक्ति मिलेंगी। कार्य वो कराएंगा कराएंगा वो, पर करने वाले का भी कोई शिकल हो गया ना, कभी नहीं दादी कहेंगी मैं करती हूँ, कभी नहीं बाबा ने कहा मैं करता हूँ, सदा ही कहेंगा बाबा कराता है बाबा कराता है बाबा कराता है बाबा। पर शिकिल तो है ना ब्रह्मा बाबा की, कराने वाला वो है करने वाली सूरत तो देख, तो हम भी इतने तो शिकल ऐसी तो हो, तभी हम कभी कभी किसको कहती हूँ थोड़ा शिकल तो ऐसी रख, लगे तो सही है भगवान का बच्चा है, भगवान का खाता है, भगवान ने उसको पराया है, भगवान के मत पर चलता है, शिकल तो देख। तो ऐसी शिकल सिर्फ हमारी हो, सूरत ऐसी हो, जब हम मुख से बाबा न भी कहें ना लेकिन शिकल से लगे, ये तो ऐसी इंसान के रूप में कभी ऐसा कोई दिखाई नहीं, बहन हो या भाई हो कभी नहीं देख, हमारा बाबा ऐसा ही है ना, है रूप मनुष्य का बस, इन जैसा सारी विश्व आपने भी देखी होंगी, ऐसा देखा हमने भी सारी ऐसी पर्सनैलिटी वाला
न मोटा न छोटा न लंबा न चौड़ा न सलाना न टी पर्सनैलिटी में हर एक धर्म वाला कहेंगे, हर एक जात वाला कहेंगे मेरा बाप है। तो हम आत्माएं इतने परमात्म प्यार लिया हुआ है हर एक को लगे। इसमें ये द्वेष भाव नहीं है, मित्रता भाव है, ईश्वरीय स्नेह है, सच्चाई है। जब इसके सामने जाओ तो खुश कर देते, तो शांति भी हो, बाबा की शक्ति भी हो, हाँ, और स्नेह का सूत्र सदा मजबूत हो, कभी धागा कच्चा ना हो। इसमें बाबा लगर भी उड़ाता था, क्या कहते हो, हाँ भाई उसको, और ऐसे कोर्चा उड़ाता था, देखो कैसा एक टिक लग गया ना ऊपर, यहाँ से पक रहा है, लग रहा है पतंग पतंग रहा है। धागे की कमाल है, पर माया टक्कर ऊपर भी लगाएंगी, ऊपर भी लगाएंगे, ऊपर भी छोड़ेंगे नहीं। बहन ये चांस फिर नहीं मिलेगा, जिनको मिलना है ये मिलेंगे, अच्छा है, जयंती को ओढ़ना है, ये सबसे बड़ा है, नए साल की सौगात। टिक्क बुद्धि ऐसी लगी हुई है उसने कि कोई ऊपर तक न पहुँचे, माया ऊपर से भी नीचे ले आएंगी, वहाँ तक पहुँच के, परंतु खबरदार होशियार, बाबा ने डोरी मजबूत रखी है ऊपर रख करके फिरस्ता बनाने की, यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं। उड़ती कला में हम रहें, औरों को राते रहे, समझा। आज हमारा यहाँ कल दीपावली मनाई, आज नया साल, अच्छी तरह से सारा साल तो क्या सदा के लिए खुश रहना, आनंद में रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना, सच्चाई और सफाई की कमाल देखना।